ईस्ट की तरफ चली गई हूँ, तो मैं आपको आज कुछ ऐसी चीज बनाना बता रही हूँ जिसकी आजकल बच्चे बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं। तो और लेकिन इधर उधर की ऐसी चीजें बनाने में मॉम्स को बहुत वो लगता है, तो मुझे है कि बच्चों को हेल्दी वर्जन देना है उसका, तो हेल्दी में उसे क्या दे सकते हैं। मैं स्पिनिच और छोलों के साथ, कॉम्बिनेशन उसका वैसे ही बहुत गजब है, तो उसके साथ मैं आपको फलाफल और हमस की रेसिपी बताने जा रही हूँ। तो उसके लिए चलिए हम तैयारी करते हैं, आइए। यहाँ पर हम सबसे पहले हमस बनाएंगे। हमस बनाने के लिए हमने रात भर छोलों को उबाल दिया था और उन्हें बॉईल कर लिया था, और ये बॉईल छोले मैं इसमें डाल दे रही हूँ। दो लहसुन की कलियाँ डाल दे रही हूँ, चार पांच हरी मिर्चें, और थोड़े से मैंने तिल लिए हैं जो मैंने रोस्ट करके लिए हैं वो डाल देंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे सॉल्ट डालूंगी, हाफ टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे हाफ टेबल स्पून हर्ब डालूंगी, मिक्स हर्ब, और इसमें मैं कर्ड भी डालूंगी, हम कर्ड दो टेबल स्पून, और मैं इसे चला लूंगी। आधा नींबू इसमें हम निचोड़ लेंगे पेस्ट बनाने के लिए, धीरे धीरे चलाएंगे हम इसे। हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा अभी थिक है क्योंकि ये सॉस की तरह होता है, हमस जो है वो सॉस का काम करता है, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। मैंने तीन टेबल स्पून के करीब पानी डाला, और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट हमारी हमस बनकर तैयार है। इसे मैं एक तरफ रख दूंगी। अब मैं फलाफल बना रही हूँ। फलाफल बनाने के लिए मैंने जो रात को सोक किए हुए चने थे, जो उबाल लिए थे, वो मैंने ले लिए हैं। इस तरीके के हमें उबले हुए चाहिए, ज़्यादा उबले हुए नहीं चाहिए। इसमें मैं पहले हम थोड़ा सा इसको चला लेंगे, इसमें मैं थोड़ा सा ये पालक मैंने ब्लंच किया था और इसको निचोड़ के हम वो डाल देंगे, इसमें ब्लंच किया हुआ पालक, थोड़ी सी हरी मिर्च और एक लहसुन की कली, ये ऑप्शनल है लहसुन की कली, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, हाफ टेबल स्पून ही काली मिर्च, और इसमें भी मैं थोड़ा सा हर्ब्स डालूंगी, और इसको अब हम चला लेंगे। छोले और पालक को मैंने इस तरीके से पीस लिया है। अब मैं इसमें चॉप किया हुआ अनियन थोड़ा सा डालूंगी, और साथ ही हम डाल देंगे थोड़ा सा नींबू, क्योंकि फ्रेश नींबू की के रस की इसमें बहुत अच्छी वो आती है फ्रेग्रेंस। इसका मॉइस्ट खत्म करने के लिए हम थोड़ा सा डालेंगे फ्रेश ब्रेड क्रम्स। अब आप इसको मिलाकर देखें, अगर आपको लगता है कि अभी आपके कटलेट के लिए ये थोड़ा पतला है फलाफल बनाने के लिए, तो इसमें क्रम्स और डाल लें। और कितना हेल्दी, ये बच्चों के लिए सोचिए आप, कितना हेल्दी फूड है कि छोले हैं साथ में पालक, तो छोले पालक का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन वैसे ही बनता है। अब देखिए ये इजीली उठ के और इजीली इस तरीके से फलाफल बन रहे हैं, तो आप इनको इस तरीके से गोल भी बना सकते हैं और टिक्की की शेप में भी बना सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर गोल बना रही हूँ फलाफल, और ये इस तरीके से हम सारे फलाफल बनाकर रख लेंगे। इस बॉल को हम, मैंने थोड़े से तिल रोस्ट करके रखे हैं, वो चारों तरफ इसके कोट कर देंगे, और इस तरीके से हम कोट करके सारे फलाफल तैयार कर लेंगे। मैंने इधर ऑयल चढ़ा दिया है, हमें थोड़ा सा तेज गरम ऑयल चाहिए, बाद में हम सिम कर देंगे। ऑयल हमारा हो गया है, मैं इसमें एक पहले छोड़ के देखूंगी, ये हमारे अच्छे से सिक पा रहे हैं, खुल नहीं रहे, तो मैं अब थोड़े से और छोड़ दूंगी।
अच्छे से इनको सिकने देंगे। और इस तरीके से हम अपने सारे फलाफल बना लेंगे। तो फलाफल और हमस हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है, आप खाइए और एंजॉय कीजिए। तो मैं चलती हूँ अपनी अगली रेसिपी के साथ, बहुत जल्द मिलती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।